पटना यूनिवर्सिटी से यहाँ पर बात करेंगे, नामांकन बहुत अभी दोस्तों आगे यहाँ पर बात करेंगे। नंबर वन यहाँ पर यूनिवर्सिटी, आखिर UGPG यहाँ की प्रक्रिया कब होगी, कैसे शुरू होगी, पूरी प्रक्रिया बताएंगे, वीडियो पूरा देखना दोस्तों। यहाँ पर राजभवन से तय दोस्तों यहाँ पर होगा नामांकन। दोस्तों बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पर 18 अप्रैल से संभावित आवेदन तिथि, तो पटना विश्वविद्यालय में बात करें यहाँ पर 18 अप्रैल से यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई करने की डेट यहाँ पर शुरू है, यानी 18 अप्रैल से आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो भी इंटर यहाँ पे क्वालिफाइड पास हैं वो अपना स्नातक में गए, उसमें बात करेंगे रेगुलर BA BCom और वोकेशनल BBBC इन सभी कोर्सेज में नामांकन के लिए 18 अप्रैल से आवेदन दोस्तों शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट टेस्ट दोस्तों यहाँ पर होगा। ओके, इंटरेस्ट टेस्ट के पे आपका फिर मेरी लिस्ट बनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका दोस्तों नामांकन होगा। PG और PG में आगे बताते हैं। देखो पटना यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में सेमेस्टर वाइज सिस्टम में नामांकन के लिए 18 अप्रैल से 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर की तिथि यहाँ पर संभावित है। और इसके बाद बात करेंगे PG में नामांकन कब होगा, तो PG में नामांकन के लिए 15 जून से 8 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। तो PG में नामांकन लेना, देखो PG नामांकन कैसे होता है, तो पटना यूनिवर्सिटी में बात करें PG के जो रेगुलर कोर्सेज MMSc MCom इन सभी में इंटरेस्ट एग्जाम नहीं होता है, आपके जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स ऑप्टेड उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनती है। और पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का यहाँ पे 40% सीट रिजर्व है, 80 बात करें 60% सीट पर ही बेसिकली बाहर वालों का एडमिशन होगा। ठीक है, तो दोस्तों उस पर भी जितना अच्छा अगर आपको रिजल्ट है मार्क्स है उस पर एडमिशन हो जाएगा PG रेगुलर वाले का। अब PG के जो वोकेशनल है यानी बात करेंगे MBA MSc इन सभी क्वेश्चन में एडमिशन लेना है, तो इसके दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट टेस्ट होगा आयोजित, फिर दोस्तों वो दोगे आप, फिर उसके बाद दोस्तों MBA के लिए तो GDPI होगा, बाकी अगर PG वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपको रिटर्न देना होगा, और बात करें फिर आपका इंटरव्यू होगा, दिन फिर आपका दोस्तों सेलेक्शन होगा। जैसा कि बात करें पिछले साल जो यहाँ पे 2023 में यहाँ पर इंटर के अंक के आधार पर यहाँ पर तैयार हुआ था कट ऑफ, इस साल क्या होगा देखते हैं आगे। देखो बात करें पटना यूनिवर्सिटी में परिधि में बता दें, पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होगा या कट ऑफ के आधार पर दोस्तों होगा, इस बात का फैसला यहाँ पर कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे, जिसका फैसला फिलहाल अभी हुआ नहीं, कर सकते हम एस्टिमेट बता रहे हैं, ऐसा होगा तो होगा। पटना यूनिवर्सिटी की ओर से राजभवन से इस आवश्यक का दिशा निर्देश मांगा गया है। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में च्वाइस बेस्ड ग्रेड सिस्टम लागू होने पर 27 से 27 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन राजभवन के निर्देश के आलोक में वर्ष 2023 में अभ्यर्थियों के इंटर में आए अंकों के आधार पर कट ऑफ तैयार किया गया था। पास पिछले साल देखो बात करें इंटर एग्जाम नहीं हुआ था, जो ग्रेजुएशन में दोस्तों नामांकन था वो इंटर में प्राप्त अंक था उसके अकॉर्डिंग बस किया गया था, पिछले के पिछले से इंटर एग्जाम हुआ था। अब पटना यूनिवर्सिटी की परंपरा रही है कि इंटरेस्ट परीक्षा आयोजित कर इसके अंक के आधार पर है ना अभ्यर्थियों पर नामांकन लिया जाए, लेकिन सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम CBSE सिस्टम दोस्तों लागू करने की जल्दबाजी, पिछले साल जल्दबाजी बहुत जल्दीबाजी हो गई थी, से बीते वर्ष यहाँ पर इसका अनुपालन नहीं हो सका, इंटर एग्जाम नहीं हो पाया था एडमिशन, इसीलिए यूनिवर्सिटी को इंटर के मार्क्स पे कराना पड़ा था, क्योंकि अगर उस टाइम वैसे करता तो फिर बहुत लेट हो जाता ना, इसीलिए समय सत्र को बचाने के लिए पटरी पर लाने के लिए। अब विश्वविद्यालय की ओर से मार्गदर्शन मांगा गया है कि इंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, और कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा ने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन किस आधार पर लिया जाए, इसके लिए कुलाधिपति कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है। बात करें जो कि यहाँ पर हमारे राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, उनसे यहाँ पे बाइस के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है, वहाँ से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई दोस्तों होगी। तो फिलहाल दोस्तों ये थी बहुत बड़े पटना यूनिवर्सिटी PG UGPG नामों को लेकर के, फिलहाल आगे कभी इसके चैनल से बने रहना, ये थी अपडेट, वीडियो को लाइक करें, और जैसे यहाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पूरी प्रक्रिया बताएंगे हमारे ओनली इस चैनल पर, वीडियो को लाइक करें और इस बनाने के चैनल से बने रहें। हमने पार्टी से पटना की भी दोस्तों वीडियो बनाया है, अब भी जाके वह चेकआउट कर सकते हैं UGPG में नामों को लेकर के।